तो आज यूपी से अपन करने वाले एग्जिट और मैं पहुंचने वाला हूँ उत्तराखंड आज। तो आज हम करेंगे पहाड़ों की वापसी वापस। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Today is day 30. आज day 30 है, मतलब ऑलरेडी एक महीना हो गया है यार। और आज मैं हूँ अयोध्या में। किसी और रूम में था, ये रूम मैंने स्विच किया नेक्स्ट डे के लिए। और कल बहुत मैसी हालत में था मैं, बट आज ठीक है, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। सो अभी टाइम हो रहा है 5:15 इन द मॉर्निंग और मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए। सो अभी फिलहाल मैं ऑन द वे ही मिलता हूँ, क्योंकि ऑटो वाले जो भाई वो बाहर नीचे खड़े, तो जाता हूँ पहले उनसे मिलता हूँ और ऑन द वे निकलते हैं। चलो तो ये अपने आशीष सोनी भाई कल आए थे होटल और बोला इन्होंने वीडियोस वगैरह ऑलरेडी देख रखा है, तो मिले इनसे, अच्छी तरह बातें की भाई से। तो भाई ने सोचा कि मॉर्निंग में खुद ही आएंगे, ड्रॉप करके जाएंगे, तो जाता हूँ अंदर, मिलता हूँ आगे। रेगुलर रश होता रहेगा, उतना तो है नहीं फिलहाल। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अंदर, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आई एम श्योर। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मोबाइल वापस लॉकर में रखने जा रहा हूँ, ये पता नहीं था मेरे को। सुदर्शन हो गया और बहुत मस्त दर्शन था, लेकिन सीन था कि अंदर फोन अलाउड नहीं था। इट वॉज गुड यार, मजा आ गया, मतलब बहुत सही था। फिर अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ। तो ये मैं हूँ हनुमानगढ़ मंदिर में, हनुमानगढ़ी कहते हैं। और ये मंदिर इसलिए माना जाता है कि जब रामायण काल में रामायण के टाइम पर राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि अनंत काल तक आप धरती पे रहो, तो ये माना जाता है कि वो यहीं पे है, ये है वो टेम्पल। मैंने आज ना जैकेट वगैरह धो के डाला हुआ था, सूख गया यार अच्छा खासा, दो घंटे के अंदर हो गई। टेरेस में लाइट अच्छी पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगा था, तो मस्त क्लीन हो गया ऑलरेडी, आई एम हैप्पी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। आज है 31st डे ऑफ माय ऑल इंडिया राइड और आज मैं निकल रहा हूँ। कल मैंने दर्शन दिन में ले लिया था, एक्चुअली मुझे दर्शन के बाद निकलना था, बट मैंने सोचा कि रुक जाएंगे, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। देन जैकेट मैंने वॉश किया, जैकेट और पैंट दोनों, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था भाई, 30 दिन हो चुके थे तो डस्ट तो नेक्स्ट लेवल जा चुका था, मतलब बहुत ही गंदा था। तो कल मैंने क्लीन किया अपने न्यू जैकेट को, जो यहाँ पे आने से पहले 100 डेज के लिए मैंने ये जैकेट परचेस किया था। तो क्लीनिंग वगैरह कर लिया, वीडियो एडिटिंग करके मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, तो मेन रीज़न वीडियो का था और क्लीनिंग, ये दो ही था। और मैंने रेस्ट किया, आई वॉज नॉट फीलिंग बेटर एक्चुअली डे बिफोर। और कल थोड़ा ऐसे ना आँखें गर्म हो रही थी मेरी, तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसे दिन में निकला, अगर दर्शन के बाद और ऐसी धूप में रश में निकल गया राइड करने के लिए, तो फीवर होने के चांसेस मुझे लग रहे थे, क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी गर्म थी। और मैंने सोचा रेस्ट करते, वीडियो बनाते, क्लीनिंग करते और खुद को रेस्ट देते। एक महीने के बाद एक दिन का रेस्ट तो बनता ही है, वैसे बीच बीच में लेता हूँ मैं रेस्ट, अच्छी नींद मारता हूँ ताकि राइड पे कुछ इम्पैक्ट ना हो। और बाय द वे मैं यहाँ पे इस होटल में रुका हुआ था, ये नॉट होटल बट ये होम स्टे है, वेरी डिसेंट होम स्टे, वॉशरूम बाहर की तरफ है। ओके, सो मुझे ये रूम मिला है 1500 बिकॉज ऑफ सीजन है, एसी रूम है, अदरवाइज चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये थोड़ा मेस मैंने कर रखा है यहाँ पे,
गुड डिसेंट वन। तो व्हेनेवर इन अयोध्या ड्राई, अगर आप होम स्टे पे रहते हो क्योंकि आप नज़दीक टेंपल के यहाँ पे कहीं जाओगे आपको सुपर एक्सपेंसिव मिलेगा, ऑफ सीजन में भी एक्सपेंसिव मिलेगा वहाँ के रूम्स। तो बेटर है आप 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे कहीं पे आके रह लो, होम स्टेज के ऑप्शन बहुत है अयोध्या में, आप कहीं पे भी रह सकते हो। अगर आप इस प्लेस के कहीं आसपास हो, इस प्लेस का नाम है हैप्पी होम स्टे, ओके, सो आप यहाँ पे भी आके रह सकते हो, ओके। सो फिलहाल मैंने माउंट वगैरह कर दिया है, तो आज यूपी से अपन करने वाले एग्जिट और मैं पहुँचने वाला हूँ उत्तराखंड आज। तो आज हम करेंगे पहाड़ों की वापसी वापस, ओके। पहले ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पहाड़ में थे, थोड़े नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो नॉर्थ उत्तराखंड के हिल्स से होते हुए बहुत से डेस्टिनेशन पे जाने वाले, तो मोस्टली विल ट्राई टू रीच नैनीताल टुडे, नहीं हो पाया तो हल्द्वानी में कहीं रुक जाएंगे। उत्तराखंड का जो डेस्टिनेशन होगा मैं आपको कल बताऊंगा। सो पहले आज पहुंचते हैं वहां और आपको अभी सीधा। तो ये प्लेस है, यहाँ पे बाइक खड़ी गई थी, तो मैंने आपको बताया प्लेस का नाम हैप्पी फैमिली होम स्टे। वीडियोज वगैरह तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, रूम्स एंड ऑल, बाकी ऑल सेट, प्लेस इज गुड। जब भी प्लान बने यहाँ पे आना। सो निकलते हैं यहाँ से, गणपति बप्पा मौर्य, ओम नमः शिवाय। ओके, सो डिस्टेंस बता देता हूँ फिलहाल, टाइम टू अराइवल बता रहा है 7:40 का, क्योंकि बहुत लेट निकल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं और 10 घंटे का डिस्टेंस है, 528 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है नैनीताल। तो इट्स नॉट के नैनीताल ही पहुँचना है, उसके पहले भी कहीं पे भी पहुँचेंगे, रुक जाएंगे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो लेट्स सी, निकलते हैं अभी, फ्यूल अप कर लेंगे ऑन द वे कहीं पे, 230 का फ्यूल रेंज है, और बाहर से ही अपना हैप्पी फैमिली होम स्टे साकेतपुरी अयोध्या, मिलते हैं देन। क्या करिए भाई, आई थिंक मेरा लंच हो जाएगा, शायद ही कहीं पे रुकूंगा फिर, क्योंकि पराठा मुझे हैवी लग रहा है, और इसके बाद एक लस्सी भी पीने वाला हूँ, ठंडी के लिए लस्सी पी रहा हूँ वैसे, और मक्खन भी ज़बरदस्त है। तो एक पराठा एक लस्सी अभी गलती, तो चलते हैं आपसे। गर्मी है इतनी भयंकर ना कि वाटर ब्रेक लेना पड़ा, तो बीच बीच में रुकते रुकते थोड़ा आराम से जा रहा हूँ वाटर ब्रेक लेते हुए, और गर्मी को और इसे हीट को बीट करते हुए। सो अभी हवा चल रही है अच्छी खासी, लेकिन हाँ ठीक है, निकलता हूँ आगे, मिलता हूँ फिर। नैनीताल के बोलिए राइट लेना है, तो नैनीताल जाके कुछ फॉर्म नहीं, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन ब्यूटीफुल लोकेशन देखो यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्लेस, रूट बहुत प्यारा है। सो एक ढाबे पे रुका था अभी हल्द्वानी के रास्ते, दिस अमृतसरी ढाबा, और बस पराठा, तो सोचा शाम में हैवी तो कुछ करना नहीं था, तो चाय पीते पीते पराठा ही खा लेता हूँ वापस से, और भाई पंजाबी ढाबा है तो शायद स्पेशली मिलेगा, इसलिए मैं यही खा के निकलते हैं, खाते मिलते हैं वापस ऑन द वे। ओके, तो यहाँ पे मस्त एक पराठा खाने को कहा था, दो पराठा खा लिया, टेस्टी था। तो चलते हैं अभी, और बाय द वे यहाँ पे पहुँचते ही उत्तराखंड में एंटर करते ही अपना हो गया 40,000 हो गया भाई बाइक के साथ, वाह बढ़िया बढ़िया। तो एक रूम मिल गया, चेक इन मैंने कर लिया रूम, सबसे पहले बैग्स बूट्स वगैरह मैंने उतार दिए, भाई ने मैच लगा के चला गया, आज किसका मैच है, आई थिंक दिल्ली कैपिटल एंड गुजरात टाइटंस, और ये रूम है,
देखिए वॉशरूम वहाँ पे वार्डरोब है उस तरफ। ओके रूम का रेट है 1500 रुपीज़। ये अपनी हालत आज के राइड के बाद। राइड के बाद है ना फेस एकदम एग्जॉस्टिंग हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार लास्ट में जो धूल मिट्टी मिलती है ना उसमें हालत ख़राब हो जाती है। तो टाइम तो भयानक हो गया और लेकिन ठीक है जितना हो गया फिर भी कम है, ऐसा लग रहा है मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। तो ठीक है अभी फ्रेश होता नहा लेता हूँ, सबसे पहला काम वही करना है क्योंकि पूरा स्वेट पूरा पसीने से लथपथ हूँ। तो नहाता हूँ और नहाने के बाद वापस मिलता हूँ।